कम्युनिटी टीवी। मैं नियाज अहमद उस्मानी प्रोग्राम के डायरेक्टर और कैमरामैन शानी चौहान के साथ आपके सामने हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कुंडली और किरदो नवा की मौजूद शख्सियात, मेरे प्यारे दोस्त, भाइयों की तरह दोस्त है मेरे, रियाज जाम मेमन साहब, और उसके साथ साथ मेरे साथ दोस्त मौजूद है मेरे इरफान मेमन साहब। हमारा सिलसिला मेरा शेख कुंडली आज उसकी तीसरी एपिसोड नाजरीन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का वजूद किस तरह पड़ा, कुंडली कैसे बना, किन किन लोगों ने कुंडली शहर की खिदमत की, किन किन मराहल में कुंडली को गुजर कर यहाँ तक पहुँचना पड़ा, और किन शख्सियात ने कुंडली की फी सबीलिल्लाह खिदमत की। तो नाज़रीन 1926 ईस्वी में जो पहले मैंने बयान किया था, इससे पहले जो एपिसोड थी उसमें 1926 तक हम पहुंचे थे, उसके पहले के हालात मैंने आपको बताए थे। 1926 ईस्वी में जैसे ही इरीगेशन सिस्टम यहाँ पर नाफिज हुआ और नारा केनाल सखर बैराज से निकाला, उसके ब्रांचेस जो है, जैसे हमारे पास जो पानी की रसाई हुई वो नबीसर ब्रांच से हुई, नबीसर वाह जिसे कहते हैं, ये 1926 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू हुई। 1931 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इसके अंदर पानी आया और हमारा इलाका सैराब हुआ। मैंने आपको बताया थे नाजरी 1926 खानदान थे जिनमें खासतौर पर बनिया खानदान था या सैयद बरादरी थी दूसरा की या फिर मेमन कुंडली के मेमन बरादरी थी, उन लोगों ने खेती बाड़ी का स्टार्ट किया, और जब खेती बाड़ी होने लग गई तो बाहर से लेबर भी आना शुरू हुई, और इसी चीज से फायदा उठाकर यहाँ की हमारी अहमदिया जमात जो काजानी कहलाते हैं, उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉटन फैक्ट्री का बुनियाद रखा, जिसको सिंध कॉटन एंड जिनिंग फैक्ट्री के नाम से बाद में पहचाना गया। और 1935 ईस्वी में जैसे ही वो कॉटन फैक्ट्री स्टार्ट हुई कुंडली में, 37 में वो फंक्शनल हो गई, 35 में रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बिक चुका था, और इस लूप लाइन पे 114 मील की ये लूप लाइन है, वहां पर तकरीबन 13 रेलवे स्टेशन बने, कुंडली भी उसमें शामिल है। जब कुंडली में रेलवे लाइन बन गई और 1937 ईस्वी से कॉटन फैक्ट्री ने अपना काम स्टार्ट किया, तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जो पहली लेबर आई थी, जिसने कुंडली शहर के वजूद को असली रंग दिया, वो ही लेबर थी जिसकी वजह से कुंडली शहर बना, और कुंडली शहर का स्टार्ट जो हुआ वो उसी कॉटन फैक्ट्री के अहाते से हुआ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंडली शहर को बनाने में जिस कम्युनिटी ने ज्यादा उस वक्त अपना किरदार अदा किया, वो लेबर थी बलोच मकरानी थे, जो कि समारोह रोड या बिल्कुल खास से आए थे। पहले तो वो आउट पे किया करते थे, फिर उन्होंने देखा कि जब मजदूरी करनी है इस फैक्ट्री के अंदर तो क्यों ना हम यहीं पर रहें, और उन्होंने अपनी झोंपड़ियां बनाकर यहीं पर सकूनत या यहीं पर रिहायश इख्तियार कर ली, और यही पहला और सबसे पहला जो दौर था कुंडली का वो ये दौर था। यकीनन आप और हम सब जानते हैं कि जब कहीं पर 50-60 घर बन जाते हैं तो वहां पर कोई दुकान भी बन जाती है, और उन्हीं मकरानी में से किसी एक मकरान ने ये कहा कि भाई जब हमारे लोग यहाँ रहते हैं तो हम गुस्ताद से, क्योंकि गुस्ताद सब बड़ा शहर था, गुस्ताद से हम क्यों चीज़ें लेकर आए, हम में से जो एक बंदा है उसको मखसूस करते हैं, वो सारे घरों का राशन लेकर आएगा और यहाँ हमें बेचेगा, फिर वो अपना किराया जो टांगे वो सब चलते थे या गधा गाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी उनका किराया वो रखता था और कुछ मार्जिन रखता था। ये कुंडली का पहला दुकान था, इसी तरीके से कुंडली का स्टार्ट हुआ। नाज़रीन कुंडली की पहली सेनेटरी कमेटी, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद 1947 में हुआ, लेकिन कुंडली की पहली सेनेटरी कमेटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंग्रेज ने बनाई थी, वो 1937 ईस्वी में जब ये शहर आबाद होने लगा, गांव की शक्ल इख्तियार कर ली, तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्वे भेजा, उस सर्वे ने इस एरिया को सेनेटरी कमेटी के नाम से एक मखसूस कर दिया, और उस सेनेटरी कमेटी का पहला जो चेयरमैन था वो काजी सावर सीड़ो था, और उसके साथ दो जो मेम्बरान थे उसमें हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन, जो आगे चलकर कुंडली के बहुत मकबूल तरीन चेयरमैन बने, और हाजी शफी डोरीवाल जो उस वक्त इस कमेटी के मेंबर बने। इस कमेटी ने अपना काम किया, और काम ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सफाई सफाई का काम था उसको देखते हुए अंग्रेज ने 1944 ईस्वी में इस शहर को, इस गाँव को नोटिफाइड एरिया कमेटी का लकब दिया, यानी कि NAC नोटिफाइड एरिया कमेटी वो इलाका होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रजिस्टर्ड गांव का एरिया था, और उसी नोटिफाइड एरिया कमेटी का जो चेयरमैन था वो काजी सावंत साहब को हटाकर, सेनेटरी कमेटी से हटाकर नोटिफाइड एरिया कमेटी का चेयरमैन हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन साहब को बना दिया गया, और बाकी दो मेम्बर जो थे वो वही रखे, एक काजी साहब को मेम्बर रखा और एक हाजी शफी साहब को। ठीक 3 साल के बाद पाकिस्तान का वजूद हुआ 1947 में, और तब तक कुंडली जो है वो एक बहुत बड़े गांव की शक्ल इख्तियार कर चुका था। नाज़रीन
ये थी आज का हमारी एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम पाकिस्तान के वजूद से लेकर फिर जो हमारा पहला मोड़ होगा वहां तक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। मेरे साथ है मेरे दोस्त रियाज मेमन साहब, मेरे साथ दोस्त है मेरे मौजूद यहां पर इरफान मेमन साहब, और हमारे प्रोग्राम के चीफ डायरेक्टर जो किस जमाने में प्रोग्राम चेक करते थे इस तरह के नेटवर्क पे अल्ताफ हसन भट्टी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा टीम पूरा ग्रुप यहाँ पर आया है, क्योंकि आज नाजरीन में आपको बताऊंगी आज हमारे यहाँ यहाँ एक सर्किल है, हमारा दोस्तों का ग्रुप है, उसके तहत हम आए दिन एक डिनर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हमारे दोस्तों की यहाँ पर डिनर पार्टी है, और आप तमाम दोस्तों को हम दावत भी देते हैं जो दोस्त यहाँ और मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का वजूद किस तरह पड़ा, कुंडली कैसे बना, किन किन लोगों ने कुंडली शहर की खिदमत की, किन किन मराहल में कुंडली को गुजर कर यहाँ तक पहुंचना पड़ा, और किन शख्सियात ने कुंडली की फी सबीलिल्लाह खिदमत की। तो नाज़रीन 1926 ईस्वी में जो पहले मैंने बयान किया था, इससे पहले जो एपिसोड थी उसमें 1926 तक हम पहुंचे थे, तो उसके पहले के हालात मैंने आपको बताए थे। 1926 ईस्वी में जैसे ही इरीगेशन सिस्टम यहाँ पर नाफिज हुआ और नारा किनाल सखर बैराज से निकाला, उसके ब्रांचेस जो है जैसे हमारे पास जो पानी की रसाई हुई वो नबीसर ब्रांच से हुई, नबीसर वाह जिसे कहते हैं, ये 1926 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू हुई। 1931 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इसके अंदर पानी आया और हमारा इलाका सैराब हुआ। नाज़रीन 1931 में जब पानी आ गया तो यहाँ के रहने वाले जो मोहसिन खानदान थे, जिनमें खासतौर पर बनिया खानदान था या सैयद बरादरी थी दुष्टा की या फिर मेमन कुंडली के मेमन बरादरी थी, उन लोगों ने खेतीबाड़ी का स्टार्ट किया, और जब खेतीबाड़ी होने लगी तो बाहर से लेबर भी आना शुरू हुई, और इसी चीज से फायदा उठाकर यहाँ की हमारी अहमदिया जमात जो कादियानी कहलाते हैं, उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉटन फैक्ट्री का बुनियाद रखा, जिसको सिंध कॉटन एंड जिनिंग फैक्ट्री के नाम से बाद में पहचाना गया। और 1935 ईस्वी में जैसे ही वो कॉटन फैक्ट्री स्टार्ट हुई कुंडली में, 37 में वो फंक्शनल हो गई, 35 में रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक बिक चुका था, और इस लूप लाइन पे 114 मील की ये लूप लाइन है, वहां पर तकरीबन 13 रेलवे स्टेशन बने, कुंडली भी उसमें शामिल है। जब कुंडली में रेलवे लाइन बन गई और 1937 ईस्वी से कॉटन फैक्ट्री ने अपना काम स्टार्ट किया, तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जो पहली लेबर आई थी जिसने कुंडली शहर के वजूद को असली रंग दिया, वो ही लेबर थी जिसकी वजह से कुंडली शहर बना, और कुंडली शहर का स्टार्ट जो हुआ वो उसी कॉटन फैक्ट्री के अहाते से हुआ। और एक बात मैं आपको बता चलूँ कि कुंडली शहर को बनाने में जिस कम्युनिटी ने ज़्यादा उस वक्त अपना किरदार अदा किया वो लेबर थी बलोच मकरानी थे, जो कि समारोह रोल या बिल्कुल खास से आए थे। पहले तो वो आउटपे किया करते थे, फिर उन्होंने देखा कि जब मजदूरी करनी है इस फैक्ट्री के अंदर तो क्यों ना हम यहीं पर रहें, और उन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर यहीं पर सकूनत या यहीं पर रिहायश इख्तियार कर ली, और यही पहला और सबसे पहला जो दौर था कुंडली का वो ये दौर था। यकीनन आप और हम सब जानते हैं कि जब कहीं पर 50-60 घर बन जाते हैं तो वहाँ पर कोई दुकान भी बन जाती है, और उन्हीं मकरानी में से किसी एक मकरानी ने ये कहा कि भाई जब हमारे लोग यहाँ रहते हैं तो हम गुस्ता से, क्योंकि गुस्ता से बड़ा शहर था, गुस्ता से हम क्यों चीज़ें लेकर आए, हम में से जो एक बंदा है उसको मखसूस करते हैं वो सारे घरों का राशन लेकर आएगा और यहाँ हमें बेचेगा, फिर वो अपना किराया जो टांगे उस वक्त चलते थे या गधा गाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी उनका किराया वो रखता था और कुछ मार्जिन रखता था। ये कुंडली का पहला दुकान था, इसी तरीके से कुंडली का स्टार्ट हुआ। नाज़रीन कुंडली की पहली सेनेटरी कमेटी, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद 1947 में हुआ, लेकिन कुंडली की पहली सेनेटरी कमेटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंग्रेज ने बनाई थी वो 1937 ईस्वी में जब ये शहर आबाद होने लगा, गाँव की शक्ल इख्तियार कर ली, तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्वे भेजा, उस सर्वे ने इस एरिया को सेनेटरी कमेटी के नाम से एक मखसूस कर दिया, और उस सेनेटरी कमेटी का पहला जो चेयरमैन था वो काजी सावर सीड़ो था, और उसके साथ दो जो मेम्बरान थे उसमें हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन जो आगे चलकर कुंडली के बहुत मकबूल तरीन चेयरमैन बने, और हाजी शफी डोरीवाला जो उस वक्त इस कमेटी के मेंबर बने। इस
कमेटी ने अपना काम किया और काम ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सफाई सफाई का काम था उसको देखते हुए अंग्रेज ने 1944 ईस्वी में इस शहर को, इस गांव को नोटिफाइड एरिया कमेटी का लकब दिया, यानी कि NAC नोटिफाइड एरिया कमेटी वो इलाका होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रजिस्टर्ड गांव का एरिया था। और उसी ने नोटिफाइड एरिया कमेटी का जो चेयरमैन था वो काजी सावंत साहब को हटाकर, सेक्रेटरी कमेटी से हटाकर नोटिफाइड एरिया कमेटी का चेयरमैन हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन साहब को बना दिया गया और बाकी दो मेंबर जो थे वो वही रखे, एक काजी साहब को मेंबर रखा और एक हाजी शफी साहब को। ठीक 3 साल के बाद पाकिस्तान का वजूद हुआ 1947 में और तब तक कुंडली जो है वो एक बहुत बड़े गांव की शक्ल इख्तियार कर चुका था। नाज़रीन ये थी आज का हमारी एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में हम पाकिस्तान के वजूद से लेकर फिर जो हमारा पहला दौर होगा वहां तक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। मेरे साथ है मेरे दोस्त रियाज मेमन साहब, मेरे साथ दोस्त है मेरे मौजूद यहाँ पर इरफान मेमन साहब और हमारे प्रोग्राम के चीफ डायरेक्टर जो किस जमाने में प्रोग्राम किया करते थे इस तरह के नेटवर्क पे अल्ताफ हुसैन भट्टी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा टीम पूरा ग्रुप यहाँ पर आया है क्योंकि आज नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी आज हमारे यहाँ यहाँ एक सर्किल है, हमारा दोस्तों का ग्रुप है, उसके तहत हम आए दिन एक डिनर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और आज भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हमारे दोस्तों की यहाँ पर डिनर पार्टी है और आप तमाम दोस्तों को हम दावत भी देते हैं, जो दोस्त यहाँ आना चाहें मोस्ट वेलकम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।